हिंदू जागरण मंच ने पुलिस प्रशासन की मनमानी, तानाशाही पर किया विरोध प्रदर्शन, कप्तान साहब से कार्रवाई करने की मांग, सौंपा ज्ञापन। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के बताए अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू जागरण मंच बुलंदशहर ने पुलिस प्रशासन की मनमानी तानाशाही करने के प्रति किया विरोध प्रदर्शन और रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। रविंद्र शर्मा ने बताया कि काला आम पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेंद्र पाल सिंह ने हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं को अपशब्द व भुगत लेने की धमकी देकर नाजायज तरीके से चालन करके प्रताड़ित किया और पुलिस प्रशासन द्वारा नाजायज प्रताड़ित करने को लेकर कप्तान साहब से बातचीत करके ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक परिवार की हत्या कर देने वाले आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग रखते हुए राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस रैली में हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के साथ जिला उपाध्यक्ष रजनीश राणा, जिला महामंत्री शैलेंद्र पवार, वीरेंद्र कुमार के अलावा सैकड़ों लोग व पदाधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर से मोहित त्यागी की रिपोर्ट। ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक युवाओं को दे रहा है आपके अपने गांव, शहर, जिले में छोटी सी पूंजी के साथ स्वयं का रोजगार करने और बड़ा मुनाफा कमाने का मौका, वह भी अपने परिवार के बीच रहकर। जुड़े हमारे साथ और लगाएं अपने सपनों को नए पंख, हम करेंगे आपके सपनों को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए हमें संपर्क करें 9540409066 पर और लिखें info@gamworks@gmail.com पर।